एक समय की बात है, एक गांव में एक मुर्गी वाला रहा करता था जिसका नाम था रामू। वो अपनी सभी मुर्गियों को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार से पालता था और उनके अंडे बाजार में बेचा करता था। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी एक मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही थी। उसकी तबीयत खराब थी, वो हमेशा दुखी रहा करती थी। रामू मुर्गियों के डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही है और बीमार है, कुछ नाराज सी लगती है। डॉक्टर साहब कुछ समय बाद रामू से कहते हैं, तुम्हारी मुर्गी बहुत परेशान और उदास है, तुमने इसके सभी अंडे बाजार में बेच दिए, शायद इसी कारण वो उदास है। रामू डॉक्टर की बात सुन परेशान हो गया और इलाज के बारे में पूछने लगा। हाँ, इसका इलाज है, तुम अपनी मुर्गी के सामने कुछ नकली अंडे रख दो, जैसे मिट्टी के, प्लास्टिक के, किसी भी तरह के रख दो। मुर्गी उन्हें अपने अंडे समझकर उन्हें प्यार करेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रामू को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने सीधा जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अच्छा, यही कारण होगा, हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और हमारा तो व्यापार ही ऐसा है कि अगर इनके अंडे ना बेचे तो हम खाएंगे क्या। लेकिन डॉक्टर साहब की ये बात मुझे बहुत पसंद आई, तुम यहीं बैठो, मैं अभी मिट्टी के अंडे बनाकर लाती हूँ। रामू की पत्नी घर के पीछे जाकर थोड़ी सी मिट्टी ले आती है, उनका आटा गूंदकर छोटे छोटे अंडे बनाती है और उन पर सफेद रंग कर देती है। थे तो वो मिट्टी के अंडे, लेकिन वो एकदम असली मुर्गी के अंडों जैसे लग रहे थे। ये लो, इन अंडों को चुपचाप जाकर मुर्गी के पास रख देना और ध्यान रहे जब वो सो रही हो, ऐसा करने से उसका ध्यान भटकेगा, वो इन अंडों को अपना बच्चा समझेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हो सकता है इन अंडों को देखकर वो फिर से अंडे देने लगे और फिर उसके अंडे हम बाजार में भी बेच पाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं आज रात को ही ये काम कर दूंगा। रामू ने मौका पाते ही मिट्टी के अंडे मुर्गी के पास रख दिए। सुबह होते ही मुर्गी ने बांग दी और उसके बाद जब अपने अंडे देखे तो फूली न समाये। लेकिन जब रामू ने बाजार जाने के लिए अंडे इकट्ठे किए तो इस बार उसने मुर्गी के अंडों को नहीं लिया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और उसकी सारी उदासी दूर हो गई और फिर से अगले दिन से उसने अंडे देने शुरू कर दिए। जादुई मिट्टी की गाय। प्रज्ञा को अपनी गाय से बहुत प्यार था, वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई थी, उसके साथ ही पूरा दिन रहती। जब प्रज्ञा शादी के लायक हुई तो उसके पिता ने पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। यह बात सुनकर प्रज्ञा जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती, आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी शादी के बाद गैया को उसके साथ ही भेज देंगे। प्रज्ञा की शादी हुई तो उसके पिता ने गैया उनके साथ ससुराल भेज दी। प्रज्ञा और उसकी गैया का दिल इस नए गांव में लग चुका था, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन गैया बीमार हो गई, उसने खाना पीना बंद कर दिया और दूध देना भी बंद कर दिया। क्या हुआ तुम्हें गैया, क्या हुआ है मुझे बताओ, हे भगवान। प्रज्ञा के ससुराल वाले बहुत अच्छा इलाज कराते हैं, लेकिन गैया एक दिन अचानक सुबह सुबह मरी हुई मिलती है। प्रज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं नहीं, मेरी गैया, भगवान ये तुमने क्या किया, मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। अरे बेटी चुप हो जाओ, मैं समझती हूँ गैया से तुम्हें बहुत लगाव था, लेकिन अब तुम पेट से हो, अपने बच्चे का ख्याल रखो प्रज्ञा। प्रज्ञा की सास उसे बहुत समझाती है, लेकिन प्रज्ञा अपनी गैया को याद करके दिन रात रोती है और जहाँ वो गैया को बांधती थी वहाँ पड़ी मिट्टी से गैया की मूर्ति बनाने लगती है और रोती रहती है। उसके आंसू उस गीली मिट्टी में मिल जाते
और गैया की मूर्ति बनती चली जाती। एक दिन रात को सोते हुए प्रज्ञा को सपने में गैया आई और गैया ने कहा, प्रज्ञा मेरी बच्ची, तुम तो मेरे साथ पड़ी हुई हो, मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मेरा जाने का समय आ गया था, इसीलिए चली गई। अब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ऐसा मत करो, जो मिट्टी की गाय तुमने बनाई है वो ऐसी वैसी नहीं, वो जादुई गाय है। तुम उसे जो मांगोगी वो तुम्हें देगी। उसमें तुम्हारी श्रद्धा और प्यार के सच्चे आंसू मिल गए हैं। जाओ उससे कुछ मांग कर तो देखो। प्रज्ञा नींद से जागती है और मिट्टी की गैया के पास जाकर कहती है, मुझे एक गैया चाहिए, एकदम वैसी जैसी मेरी गैया थी। जादू से एक बड़ी सी खूबसूरत गाय एकदम पहली जैसी गाय की तरह प्रकट हो जाती है। प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। अब वो जादुई मिट्टी की गाय से जो चाहे वो मांग सकती थी, मगर अब उसे अपनी गैया जो मिल गई थी, उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया और अपने बच्चे को जन्म दिया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। सोने की चींटी। गंगा अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उसे घर की सफाई करना बहुत पसंद था। दिवाली आने को थी, वो घर के हर कोने को चमकाना चाहती थी। अरे दिवाली आने को है, देखो कितना काम पड़ा है, पूरा आंगन गंदा हो रखा है। जरा भी चींटियां नहीं आनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं, कोई सूखे पत्ते नहीं। आज तो ये सारी सफाई मैं करके रहूंगी। गंगा दिन रात लगी रहती और पूरे घर की सफाई करती। उस दिन उसने आंगन की सफाई की। उसने कोने में देखा एक बहुत बड़ा चींटियों का घर उसके घर के पास गमले के पीछे था। हाय राम, इतना बड़ा घर चींटियों का, इसे मैंने पहले कभी देखा क्यों नहीं। आज तो इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अंदर बैठी चींटियां गंगा की बात सुन लेती हैं और आपस में कहती हैं, अरे अरे देखो गंगा ने हमें देख लिया, ये तो हमारा पुराना घर है। दिवाली आने को है, सफाई के साथ साथ हमारा घर भी टूट जाएगा, कुछ करो। सभी चींटियां आपस में बात करती हैं और रानी चींटी को उठाने जाती हैं, क्योंकि वो आराम कर रही थी। रानी चींटी जल्दी उठो, गंगा आज हमारी सफाई करने वाली है, आज आंगन की बारी है। देखो ना कितना गंदा लग रहा है आंगन, आज उसने हमें देख लिया है, हमारा घर टूटने ही वाला है, जल्दी कुछ करो। रानी चींटी उठ जाती है, उसे किसी बात का डर नहीं था। डरती क्यों हो, मेरा जादू भूल गई? ये देखो सोने की चींटी जो महाराज ने मुझे दी थी, इसे देते ही गंगा की दिवाली हो जाएगी और वो हमारा घर नहीं तोड़ेगी। आप तो बहुत समझदार हैं। चलिए चलकर ये बात गंगा को कहते हैं। सभी चींटियां मिलकर अपनी रानी चींटी के साथ गंगा के पास जाती हैं। गंगा झाड़ू लेकर वहाँ पहुँचने ही वाली थी कि एक चींटी इशारे से उसके पैर पर चढ़ जाती है। अरे 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 अरे, इतनी चींटियां हो गई, देखो मुझ पर ही चढ़ रही है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी चींटी आवाज लगाती है, गंगा गंगा। हाँ, चींटी होकर आवाज लगाती हो, मेरा नाम भी जानती हो। हाँ, हम कोई ऐसी वैसी चींटी नहीं है, तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार लाई है। क्या, अरे देखो इंसानों जैसी बात करने वाली चींटी तो पहली बार देखी, क्या उपहार है जरा मैं भी तो सुनूं। ये लो, ये है सोने की चींटी, तुम्हें दिवाली मुबारक हो। सोने की चींटी, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? ऐसी चींटियां तो हम तुम्हें हर हफ्ते दे सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें हमारे घर को छोड़कर बाकी सब सफाई करनी होगी। अच्छा ये बात है, और अगर तुमने मुझे काटा तो मेरे बच्चे यहीं खेलते हैं। नहीं नहीं, इतने सालों से हम यहीं रहते हैं, वादा करो हमारा घर नहीं तोड़ोगी, हम हर रविवार तुम्हें सोने की चींटी देंगे। अच्छा फिर तो पूरा साल दिवाली। अरे अरे चिंता क्यों करती हो, तुम यहीं रहो। गंगा बहुत खुश होती है, वो पूरे आंगन की सफाई करती है।
सिवाय चींटियों के घर के। वो हमेशा वहीं रहती हैं और हमेशा गंगा को सोने की चींटियां देती रहती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा, ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा, मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया कल ला दोगे ना ऐसा अंडा, मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा।